हाय ब्यूटीफुल लवलीज, आप सब कैसे हो? मैं आज ये वाला वीडियो लाई हूँ हेयर्स के ऊपर। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और विंटर्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो भी होने वाला है, क्योंकि विंटर्स में हम लोग का स्कैल्प हो जाता है ड्राई और बहुत इचिंग होने लगती है, डैंड्रफ हो जाती है। तो वैसे में हम लोगों को डैंड्रफ कैसे होम रेमेडी से हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग शैम्पू करते हैं 1 से 2 डेज रहता है, उसके बाद सेम सेम इचिंग प्रॉब्लम, सेम फेस से डैंड्रफ हो जाता है। बहुत लोगों का स्कैल्प ऑयली होता है, बहुत लोगों का ड्राई होता है। जिन लोगों का ड्राई होता है उन लोगों का तो ऐसे भी करो तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि डैंड्रफ गिरता है वो देखने में तो और भी ज्यादा खराब लगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, ये मतलब हम लोगों को इचिंग की वजह से, हम लोग जैसे ऐसे ऐसे इचिंग करते हैं उसके बाद नेल्स के अंदर पूरा डैंड्रफ हो जाता है, वो भी देखने में एकदम गंदा लगता है। और उसके ऊपर से ये डैंड्रफ होता क्या है, बेसिकली डैंड्रफ इज अ फंगल इन्फेक्शन, ये एक इन्फेक्शन हो जाता है हम लोगों के हेयर्स में। तो ये कैसे होता है, इसका एक दो रीजन मैं बताने वाली हूँ। जैसे कि नंबर 1, अगर ज्यादा विंटर सीजन में क्या होता है ना, हम लोगों का स्कल्प जो होता है तो स्कल्प क्या होता है, ज्यादा ड्राई हो जाता है। तो ड्राइनेस की वजह से वो हम लोगों का स्कल्प का जो स्किन है वो फट के निकल आता है, वहां से डैंड्रफ होता है, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, इससे होता है। नेक्स्ट नंबर 2, किसी का डैंड्रफ है, हम अगर वो ही कॉम्ब फिर से यूज करें तो उससे भी डैंड्रफ हो सकता है। थर्ड नंबर, हम लोग रेगुलर अपना हेयर वॉश ना करें, एटलीस्ट सर्दी है इसका इसके वजह से हम लोग हेयर वॉश करना स्टॉप कर दें, दैट इज नॉट द रीजन। ये तो रीजन नहीं हो सकता ना, ठंड लग रही है कैसे हेयर वॉश करें, ये रीजन नहीं हो सकता है। हम लोगों को अपने हेयर का, जैसे हम लोग अपना फेस का स्किन को क्लीन रखने की कोशिश करते हैं दिन में 1 से 2 बार तो एटलीस्ट फेस वॉश करते ही है, तो ठीक वैसे ही हम लोगों को वीक में एटलीस्ट 3 टाइम्स शैम्पू करना ही है। आप जैसे ही करो नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर से भी करो, या तो फिर ठंडा पानी को थोड़ा सा गर्म कर लो, ल्यूक्यूमोटर से भी आप कर सकती हो। आप मतलब पर आपको हेयर वॉश करना है तो मैं आपको घरेलू 2-3 नुस्खे बताने वाली हूँ जिससे आप इस डैंड्रफ से एटलीस्ट रिलीफ पा सकते हो। तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप फर्स्ट टाइम में रिलीफ पा जाओगे, लेकिन आप बस अगर ये कंटिन्यू ये प्रोसेस यूज करते हो तो आप इजीली रिलीफ इससे पाओगे। तो फर्स्ट नंबर 1, हम लोग को क्या करना है, जैसे मैंने बताया है कि वीकली आपको 3 टाइम शैम्पू करना है, तो शैम्पू करने के पहले ऑयलिंग करना बहुत ही जरूरी है। तो ऑयलिंग करने के लिए आप क्या करोगे, रात को कोकोनट हेयर ऑयल या तो फिर ऑलिव ऑयल में आपको कैम्फोर जो होता है, जो मतलब हम लोग पूजा में यूज करते हैं, छोटा छोटा कैम्फोर होता है, तो उससे एक कैम्फोर से छोटा सा एक चुटकी भर आपको कैम्फोर लेना है और उसको ऑयल को आपको हॉट करना है, उसके बाद आपको उसमें डाल देना है। ऑयल को कैसे हॉट करना है आप मेरे प्रीवियस कोई भी वीडियो में देख सकते हो, हेयर ऑयल की वीडियो में दिया हुआ है। तो वैसे आपको हॉट करके उसपे कैम्फोर को दे देना है, अच्छी तरह से मिला के वो आप अपने सर के स्कल्प में अच्छी तरह से लगा लीजिए और उसको टाई करके आप सो जाइए। ऐसा भी हो सकता है आप रात को नहीं करना चाहते हो हेयर ऑयलिंग, तो स्किप दैट, आप नहाने के 2 घंटे पहले आप कर लीजिए हेयर ऑयलिंग, उसके बाद उसको टाई करके आप रख दीजिए। कुछ टाइम बाद अगर आपके पास हेयर ड्रायर भी ना हो, उसको थोड़ा सा स्टीम देना है, आप क्या करोगे, एक बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लोगे और कोई भी कपड़े से या तो फिर सॉफ्ट कोई टॉवल से उसको पानी में भिगो के निचोड़ के आपको 2-3 टाइम इसको प्रेस करके देना है अपने हेयर्स पे। उसके बाद आप शैम्पू से, कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप शैम्पू कर लो, ये वाला हो गया। नेक्स्ट आपको यूज करना है, ये एक मास्क है जो मैं बताने वाली हूँ, आपको लेना है घर का बना हुआ कर्ड। मैं घर के बने हुए कार्ड के बारे में बोल रही हूँ इसीलिए क्योंकि मुझे शक्कर वाला कार्ड नहीं चाहिए, मीठा कार्ड नहीं चाहिए। हाँ तो वो कर्ड चाहिए मुझे, उसको आप हैंग कर लीजिए, उसका पानी जो है वो निकाल लीजिए, उसके बाद वो कर्ड को एक कटोरे में ले लीजिए। उसके साथ आपको क्या मिलाना है, नीम के जो पत्ते होते हैं उसको आप ड्राई कर लीजिए, उसको ड्राई कर या तो फिर नीम का पाउडर भी आजकल मिलने लगा है, नीम पत्ते के पाउडर, या तो फिर उसको आप पत्ते को ड्राई कर लीजिए। ड्राई करके आप क्या करोगे ना, तवे में थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, ऐसा नहीं कि पूरा
पूरा ब्लैकिश से फ्राई करना है, वैसा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा शैलो फ्राई करना है। उसके बाद आप उसको ऐसे करके हाथ से भी निचोड़ोगे ना तो वो उसका पाउडर निकल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मिक्सी में उसको पाउडर कर सकते हो। उसको 2 टेबल स्पून की तरह आप मिला लीजिए। उसके साथ आप हनी मिलाइए फॉर कंडीशनर। एंड आपको और एक चीज मिलाना है इसमें, फेनुग्रीक सीड, पता ही होगा आप लोगों को किचन में अवेलेबल होता है, मेथी के दाना जो होता है उसको आप ओवरनाइट 1 कप में 1 चम्मच आप भिगो के रख दीजिए। उसके बाद सुबह को आप उसको अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस लीजिए और उसके साथ उसको भी आप मैश कर लीजिए। और आपको क्या करना है, इस मिक्सचर में 10 से 12 ड्रॉप आपको नींबू निचोड़ देना है। तो वो वाला जो मिक्सचर हो गया वो अच्छी तरह से आप अपने स्कल्प पे लगा लीजिए और उसके बाद बाकी जो रह जाता है लेफ्ट ओवर वो आपने पूरे लेंथ में भी लगा सकते हो, पूरे हेयर लेंथ में भी लगा सकते हो। तो इसमें क्या है, आप लोगों को फेनुग्रीक सीड जो है वो एक एंटी फंगल का काम करेगा आपके साथ, एंटी डैंड्रफ का भी काम करेगा, प्लस जो कार्ड है वो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करेगा, कंडीशनर करेगा, और जो स्कैल्प में है वो एंटी फंगस का जो हम लोगों के ऊपर अटैक होके रखा है एज लाइक ए डैंड्रफ, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। नीम के पत्ते में भी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो और हनी जो है वो इजीली हेयर्स को मॉइस्चराइज करेगा, उसके लिए मैंने हनी हनी को ऐड किया है। तो ये वाला मास्क आप वीकली 1 बार भी अगर लगाते हो और वो वाला हेयर ऑयल आप 3 बार लगाओ, उसके बाद आप देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये मैं कोई मतलब ऐसा नहीं है कि 1 बार वॉश करने से ही आपका हो जाएगा। सो आप लोगों को 1 से 3 महीना तक यूज करना ही पड़ेगा और करने के बाद आप होपफुली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इवन डैंड्रफ वैनिश हो जाएगा, आपका स्कैल्प भी बहुत अच्छा होगा, हेयर्स भी बहुत ही अच्छे होंगे। जस्ट सी माई हेयर, मैं कर्ड और हनी तो यूज करती रहती हूँ। आई थिंक आप लोगों को अगर ऐसा सॉफ्टी सिल्की हेयर चाहिए तो आपको करना पड़ेगा, और डैंड्रफ फ्री होने के लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ऐसा लगा कि ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप लोग को क्या क्या चाहिए, मैं कौन से टॉपिक में बात करूँ आप लोगों के साथ, कौन सा सोल्यूशन आप लोगों को दूँ, कैसा वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोगों के पास कोई भी अच्छा टॉपिक है, कोई भी ऐसा है कि आप लोग चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ उसके ऊपर, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर करूँगी, अभी नहीं तो 1 हफ्ते बाद, 1 महीने में, बट मैं करूँगी ज़रूर। सो अभी के लिए बस इतना ही। लिव ब्यूटिफुल, लव ब्यूटिफुल, बाय बाय।